दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष, कहा वह क्या योद्धा, जिनसे हारा उन्हीं से जाकर मिल जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जिन्हें महाराज महाराज करते थे, बीजेपी ने उन्हें भाई साहब बना दिया है। कमलनाथ ने किया जनता से सच्चाई का साथ देने का आह्वान। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि वो क्या योद्धा, जो जिनसे हारा हो उन्हीं में जाकर मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हीं से जाकर मिल जाएंगे जिनसे हार चुके थे। कमलनाथ ने कहा कि आने वाले चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करेंगे और आह्वान किया कि जनता सच्चाई का साथ दे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए वचनों को दोहराते हुए कहा कि सरकार बनने पर प्रदेश को भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने महाराज को भाई साहब बना दिया। जनसभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दिवंगत माधवराव सिंधिया को याद किया। उन्होंने कहा कि श्रीमंत के न रहने पर उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आए। उस समय ग्वालियर में मुझसे पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, तो मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा जो चमकेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछला लोकसभा चुनाव क्या हार गए, उनका मन बैठ गया। हमने कहा कि दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, क्या बड़ी बात थी, लेकिन योद्धा वो होता है जो हार कर भी लड़ाई प्रारंभ कर देता है। क्या योद्धा, जो जिनसे हारा उन्हीं में जाकर मिल जाए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस और भाजपा में एक ही अंतर है, कांग्रेस जब आती है तो जमीनें बांटती है, गरीबों और किसानों पर लुटाती है, और जब भाजपा आती है तो सब लूट लेती है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर एक एक का हिसाब किताब करेगी, गरीबों की जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई करेगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश बन चुका है। चौपट रोजगार, चौपट व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश बना हुआ है। यहाँ हर एक व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या फिर उसका गवाह है। बीजेपी ने महाकाल लोक में घोटाला किया, हाल ही में पटवारी घोटाला हुआ, ये 50% कमीशन की सरकार है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 220 महीने में 250 घोटाले किए हैं, जिनकी सूची बनी हुई है। आज से 30 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान काम और व्यवसाय के मौके चाहता है, लेकिन प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता है। अगर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, माफिया राज, बलात्कार, बाल अपराध और घर घर में शराब पहुंचा दी है। अब शिवराज सिंह चौहान की घोषणा मशीन डबल स्पीड से चल रही है, लेकिन उन्हें बच्चों की पीड़ा नहीं दिखती, वो किसानों की पुकार नहीं सुन सकते, उनके आंख और कान नहीं चलते, लेकिन मुंह बहुत चलता है। लेकिन मुंह चलने पर और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। इनके पास पुलिस, पैसा, प्रशासन है, लेकिन छिपाने, डराने और दबाने की राजनीति खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज जी अशोकनगर आ जाइए, मैं आपको 15 महीने की सरकार का हिसाब दूंगा। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 1000 गौशाला बनवाई, 100 रुपए में बिजली दी। इस तरह हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है।